हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे RBSE गणित की प्रश्नावली 14.1 रचनाएं। तो रचनाओं में अगला सवाल है, एक 2.8 सेमी के वृत्त की रचना कर उस पर स्थित बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्केल की सहायता से 2.8 सेमी प्रकार में त्रिज्या भरेंगे। 2.8 सेमी, जिस प्रकार देखो मैं कर रहा हूँ, 2.8 सेमी का प्रकार में चाप भरेंगे, त्रिज्या भरेंगे ये 2.8 सेमी की। तो यहाँ पर 2.8 सेमी का एक वृत्त बनाएंगे। 2.8 सेमी का एक वृत्त बनाया, देखो इस प्रकार। कोई भी बिंदु लेकर हमने एक 2.8 सेमी का एक वृत्त बनाया। यहाँ पर केंद्र बिंदु क्या लिया हमने? O। इस पर हमने 2.8 सेमी का एक 2.8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बना दिया। अब ये केंद्र बिंदु O है, इसकी ये जो इधर वाली परिधि है, कहीं पर भी एक रेखा यानी त्रिज्या रेखा खींच दी। जैसे ये देखो, 2.8 की ये कितने की है? 2.8 सेमी की, 2.8 सेमी की। अब यहां पर हमने बिंदु P अंकित कर दिया, यहां पर बिंदु P अंकित कर दिया। अब इस रेखा पर बिंदु O और P पर, बिंदु P पर हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाया। तो देखो इस प्रकार, बिंदु P पर एक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ये देखो। एक 90 डिग्री का कोण बनाना है तो ये देखो आराम से बनेगा। फिर इतनी ही त्रिज्या, इतनी बराबर की चाप वाली से एक कोण यहाँ से काटेंगे, एक कोण यहाँ से काटेंगे, तो ये इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये 90 डिग्री का कोण बन गया। अब इस रेखा को यहाँ पर आराम से मिलाना है, बिल्कुल सीधा इस प्रकार से। तो ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा, ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा, जिसका नाम देंगे एक्स और वाई। अब क्वेश्चन के अनुसार इसकी हमें क्या करनी है? रचना करनी है। तो रचना करना हमने पहले भी सीखा था कि जिस जिस प्रकार डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, उसी प्रकार रचना करते चलेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? 2.8 सेमी का एक वृत्त बनाया था। तो सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कोई बिंदु, कोई बिंदु हमने लिया था ओ, तो बिंदु ओ लेकर 2.8 सेमी, 2.8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, का एक वर्त बनाया। दूसरा पॉइंट, वर्त पर बिंदु, वर्त पर बिंदु हमने कौन सा लिया था? P। तो वर्त पर बिंदु P लिया। इस बिंदु यानी इस बिंदु OP, OP की लंबाई कितनी है? OP बराबर 2.8 सेमी, जो इस वृत्त की त्रिज्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है। अगला तीसरा पॉइंट, बिंदु P पर एक समकोण बनाया। यहां बिंदु P से हमने समकोण बनाया था, तो बिंदु P पर एक समकोण, एक समकोण बनाया जो त्रिज्या OP पर लंबवत, लंबवत रेखा
खींचती है इस प्रकार। फिर अगला पॉइंट, एक्स वाई वृत्त की स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा होगी। तो ये ओपी ओपी बिंदु है, ये बिंदु पी है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर ये हमारा वृत्त है, इस पर ये जो रेखा खींची वो बिल्कुल स्पर्श रेखा बिल्कुल सीधी होगी। इस प्रकार से ये हमारा सवाल हुआ। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। फिर अगला सवाल है हमारा चौथा, चौथा सवाल है हमारा, ये चौथा सवाल, एक 3 सेमी त्रिज्या के व्यास के दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए, क्या वे परस्पर प्रतिच्छेदी करेगी, कारण सहित तो उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न हम करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले कि 3 सेमी, कितने सेमी का, 3 सेमी त्रिज्या का, 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना है, 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना है। तो हम फुट पेंसिल प्रकार की सहायता से 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे। ये यहां से हमने 3 सेमी प्रकार में चाप भरा, ये 3 सेमी का है, तो यहां से हमने 3 सेमी का चाप लिया। यहां पर बिंदु ओ है, यहां पर बिंदु ओ हो गया, 3 सेमी का इधर है, और 3 सेमी क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या लेना है, व्यास लेना है। तो ये सीधी रेखा हो गई हमारा व्यास। यहां पर बिंदु ओ लिया, यहां पर बिंदु क्यू लिया, और यहां पर बिंदु पी। अब जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, बिंदु क्यू और पी पर एक एक समकोण बनाना है, तो बिंदु पी पर एक समकोण बनाना है, तो यहां पर बिंदु पी है, यहां पर हमने समकोण बनाया। इस प्रकार से ये हमारा यहां पर समकोण बनेगा। ऐसे ही यहां पर बिंदु Q पर एक समकोण बनाना है, ये बिंदु Q पर एक समकोण हो गया। इन दोनों को हम आगे बढ़ाएंगे, मिलाएंगे स्पर्श रेखा के रूप में। तो ये हो गई हमारी इधर वाली स्पर्श रेखा, और ये है इधर वाली स्पर्श रेखा, ये बिंदु P की ओर से स्पर्श रेखा, ये Q बिंदु की ओर स्पर्श रेखा। तो इसकी रचना करते हैं, रचना इसका नाम दे दिया हमने A, इसका नाम दिया B, और इसका नाम दिया X, और इसका नाम दे दिया Y। तो देखो रचना, रचना पहले भी की हमने, सर्वप्रथम सर्वप्रथम कोई बिंदु ओ मानकर, कोई बिंदु ओ मानकर 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया, तीन सेमी त्रिज्या का, ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 सेमी, 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, वृत्त का व्यास, इस वृत्त का व्यास है कौन सा है, इस वृत्त का व्यास, तो Q और P इस वृत्त का व्यास है।
तीसरा पॉइंट त्रिज्या ओ पी, यहां से यहां तक की त्रिज्या और यहां से यहां तक की त्रिज्या ओ पी व क्यू ओ पर एक समकोण, एक एक समकोण बनाया, एक एक समकोण बनाया। चौथा पॉइंट ए बी, ए और बी व एक्स और वाई, एक्स और वाई वृत्त की स्पर्श रेखाएं होंगी, स्पर्श रेखाएं होंगी, रेखाएं हैं। अब इस सवाल में थोड़ा सा आगे आगे और पूछा है, क्या ये यानी ये क्या ये स्पर्श रेखाएं प्रतिच्छेदी प्रतिच्छेदी करेंगी, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर है, उत्तर है दोनों रेखाएं, दोनों यानी ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं है, प्रतिच्छेदी नहीं होंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्योंकि दोनों रेखाएं स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं हैं, रेखाएं हैं। दोस्तों ये दोनों प्रतिच्छेदी नहीं कर सकती, क्योंकि ये वृत्त के दोनों दोनों तरफ बराबर समांतर रेखाएं हैं। अगर प्रतिच्छेदी करेंगे तो इस प्रकार से होनी चाहिए थी, परंतु ये प्रतिच्छेदी नहीं कर रही है, दोनों वृत्त की समांतर रेखाएं हैं, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होंगी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।